राइट एंगल में होना चाहिए कोई भी टैटू, आप उल्टा सीधा टैटू नहीं बनाने का। जो नाम अगर लिखना है तो किस तरीके से इधर का इधर नहीं, उधर का उधर नहीं, पढ़ने आना चाहिए, रीडेबल हो, या क्लाइंट की डिमांड है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। स्टेंसिल का भी एप्लीकेशन बहुत प्रॉपर होना जरूरी है, जो भी एंगल में आप इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी में सिर्फ नाम ही लिखना है, नाम लिखते लिखते हमको आगे जाना है, हमारे डिज़ाइन को कॉन्सेप्ट बनाते हुए जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे उस तरीके को डिज़ाइन को उसके हिसाब से, यानी बंदे को टैटू करना कौन से पार्ट के ऊपर उसके हिसाब से डिज़ाइन दिखाना है। लोअर बैक का टैटू अगर आर्म्स पे लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ज़रूरी है। सपोज एक बंदे ने आज टैटू किया और एक महीने बाद टैटू करा, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन टैटू में क्या कोई मतलब नहीं है। टैटू में तो रिजल्ट दिखेगा, अगर तुमने ड्राइंग किया मिटा सकते हो फाड़ सकते हो, टैटू में क्या एक ही अटेम्प्ट है ना, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। मैंने एक टैटू बनाता हूँ तो 500 रुपये लेता हूँ एक बड़ा टैटू का, एक बंदा दूसरा बनाता है वो 5000 रुपये लेता है, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी वही इस्तेमाल कर रहा है, मैं जिधर बैठा हूँ मेरे भी रूम में ऐसी है, उसके भी रूम में ऐसी, फिर क्यों चेंजेस। उसने अपनी औकात लगाई है, सेल्फ वैल्यू हमारा क्या है, अगर हम वैल्यू नहीं जानेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक तो अगर मैं नया लर्नर हूँ, बिगनर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ ड्राइंग में, और एक बहुत अच्छा टैटूस्ट है लेकिन उसको ड्राइंग नहीं आती, वो इसमें से निकाला क्या नाम है कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया उसी के ऊपर काम किया बना के दे दिया, ये जो नया बंदा है इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मशीन नहीं चलेगी उससे क्या मतलब है, डेप्थ नहीं समझ में आ रहा है, स्किन के कौन से लेयर पर काम करना है।